सो हेलो गाइज, मैं रंजन आपके अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइज, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया है, और एक चीज़ बोलूँगा, सॉरी गाइज कि इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, 5-6 दिन हो गए, क्योंकि कैमरा आ भी चुका था, बस थोड़ा फेस्टिवल वगैरह था, थोड़ा काम बम था, इस वजह से बिजी चल रहा था। बाय द वे, आपसे पूरी कोशिश करूँगा कि डेली अपनी वीडियोस चले, मतलब कबूतरबाजी की वीडियोस आए, ठीक है। सो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख लिया है, आज मैं दिखाने वाला हूँ अपने 4 मतलब कबूतरों के बच्चे हैं, हमारे यहाँ नहीं निकले पर मैं खरीद के लाया था, मैंने सोचा था कि आपको दिखाऊंगा, बहुत ही जेन्युइन और उमदा नस्ल के हैं, मतलब है पटियाला ही पर चीज़ ही है भाई। सो आपको शौक कराने वाला हूँ, आप लोग वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और दोबारा बोलता हूँ, जो मेरे भाई चैनल पर नया हो ना, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना छोड़ दिया है, आप लोगों की गलत बात है, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करा करो, प्यार दिया करो, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो फाइनली हम मादिनी वाले जाल में आ चुके हैं, और ये अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं है, पर हाँ सही है, इसलिए मैं इनको मादिनों में बंद करता हूँ, क्योंकि नर इसको मार मार के ना बुरा हाल कर देंगे, आप लोगों को पता है नर कितने वैसे होते हैं, हमारी तरह ही होता है, पेल पाल के इनकी अस्थिति कर देंगे मार मार के। सो आपको मैं दिखा रहा हूँ सारे कबूतर, ठीक है, और तो इसमें मैं जो बच्चे हैं अपने वो दिखाने वाला हूँ। ओके, 4 ही टोटल हैं, जिस भाई के यहाँ से लाया था उसके ही हैं, ठीक है, भाई के यहाँ से निकले थे, और एक निसावरा भी पकड़ा था, उसको भी आज दिखाई देता हूँ ढंग से, ये रहा निसावरा, तो सामने ही बैठा है, ये देखो भाई, ठीक है। तो बच्चों को शौक कराता हूँ, ओवर भी मैंने आपको करा दिया, एक ये रहा, एक सामने बैठा है, ठीक है, एक ये रहा, काफ़ी ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा बच्चा है ये, 1, 2, 3 और चौथा ये रहा पिलका, ठीक है भाई, देख लो भाई, ठीक है। तो इनका ओवर भी मैंने ऊपर से करा दिया है, बाकी इनको मैं पकड़ पकड़ के नसल वसल दिखा के, क्योंकि कबूतर खोलने का भी टाइम हो चुका है, कबूतर भी बाहर आने को राजी हो रहे हैं, तो इनको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। और आपसे ये भी बोल रहा हूँ मैं कि आपसे डेली कोशिश करूँगा कि भाई वीडियोज़ आएँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, और अपने बच्चों को दोबारा दिखाना स्टार्ट करते हैं, कबूतर के बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं भाई, कबूतरों के बच्चों को, ठीक है। तो चलिए बने रहना वीडियो में, ठीक है भाई। तो गाइस, तो सबसे पहले दिखाऊंगा सबसे प्यारा बच्चा, बच्चे चारों ही प्यारे हैं, सबसे जो अच्छा लगता है मुझे, दो ही इसमें लगते हैं, मतलब जो जिगर के टुकड़े हैं सबसे ज्यादा तो एक ही लगता है, बाकी फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो चौथे नंबर पर ये बच्चा आएगा, बाकी तो फिलहाल अभी चौथे नंबर पर ही है। तो सबसे पहले छोटा बच्चा दिखाऊंगा मैं, और सबसे पहले है यही, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो, अनारी आंखों का भी इतना छोटा भाई, किसने ना अभी आंख तक साफ नहीं करी है, ये देख लो, ठीक है, आप ये देख सकते हो, ओके। और ये है इसके पर, ये तीतरा निकलेगा, लाल तीतरा ही निकलेगा ये, अरे अरे बस बस बस, कभी पकड़ता नहीं हो भाई, ना तो भाई पकड़ता था अपना, तो ये देखो भाई, ठीक है, देखो भाई मुंह भी फाड़ने लग गए इतनी जल्दी, बाकी नीचे से तो अभी भाई डोंगे में से थोड़े दिन पहले ही उठाए, तो गंदा हो रहा है थोड़ा, बाकी कबूतर जो तो भाई भाई ने दिए थे, गजब दिए थे, बस थोड़ी दिक्कत हो गई थी, एक दो कबूतर बीमार हो गए उसमें से, बाकी कोई नहीं, छोड़ो। तो ये देख सकते हो बच्चा, ये देखो एक बार मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, नहीं नहीं थम जाओ, देख लो भाई, बताना जरूर आप लोगों को, शौक करा रहा हूँ बच्चों का, आगे जाकर कैसे बन सकते हैं, कैसे क्या होगा ये, ठीक है, आप लोगों के लोग मैं बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, आप लोग बता देना कमेंट में भी, आप लोग भी कि कैसे हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भाई शेयर कर दिया करो यार, आपके पास तो बतेरे ग्रुप होंगे, ग्रुपों में भी प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियोज़ को, ठीक है, जिससे कि हमारे कबूतर और पब्लिक भी देख सके। तो ये सबसे छोटा वाला बच्चा था, तीतरा लाल, ठीक है, बाकी भगवान जाने आगे आगे चल के तीतरा ही बन जाएगा यार, सफ़ेद पूरा हो जाएगा, हल्का हल्का तीतरे टाइप में हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा बच्चा दिखाते हैं, ठीक है, इसे छोड़ दिया मैंने। तो गाइस, तो दूसरा बच्चा भी आ चुका है, और ये भी अनारी आँखों का, ये सारे पटियाले ही लाया था, आपको तो पता ही है भाई, तो ये देख रहे हो भाई, चेहरा देखो एक बार, इसका चेहरा बिल्कुल भाई तिकोना है, या किसी किसी कबूतर के यहाँ पे निशान होता है, पर वैसा नहीं है, इसका चेहरा बिल्कुल तिकोना है, देख रहे हो भाई, बताना जरूर कैसी चीज़, अब तो झाड़ पाक कर रहा है, ललसरा कबूतर है पूरा, और कलपरे पर ले रखे इनने, और इसका बदन जो है ना भाई बच्चों वाला तो है नहीं, ऐसा लगता है कि पूरा बड़ा कबूतर हो, देख रहे हो, एक बार चेक करो आप लोग ये, ठीक है, बढ़िया से चेक करा रहा हूँ, कबूतर भी खोलने अभी यार, बाकी कबूतर हो बुरा इतना मानने घूम कर रहा है, देख रहे हो, ये चेक करो एक बार, मतलब भाई बहुत, इनको सीजन में उड़ाना है भाई इस बार, तो लड़ेंगे अगली साल, पर उड़ेंगे इसी साल ये, ठीक है, ये देख लो आप एक बार। तो ये दूसरे नंबर का बच्चा था, और इसके पंजेब बजेब डली हुई है इसके भी, ठीक, पंजेब तो सारे कबूतरों का, आधे से ज़्यादा कबूतरों का डल रखी थी भाई के, तो ये देख लो भाई, ये देखो कैसा डरा पड़ा है भाई, और बिल्कुल खूनी आँखें हैं इसकी, लाल बिल्कुल खूनी, फोकस करता हूँ एक मिनट, जब ये फोकस कर ले, हाँ ये बात फोकस कर लिया ना, देख लो भाई, अभी भी ढंग से फोकस नहीं कर रहा, बाकी कर रहा है, क्योंकि अंधेरा सा हो रहा है भाई, शाम के 6:30 बजने वाले हैं,
और मैं अब जाकर वीडियो बना रहा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। अब तीसरा बच्चा आपको दिखाता हूँ मैं। सो गाइस, तो चौथा बच्चा अपना आ चुका हो, सॉरी तीसरा बच्चा आ चुका है और सबसे बेहतरीन लगता है मुझे बच्चा, ठीक है। आप देख सकते हो एक बार, लाल सा सर है इसका, मतलब वाइट सा, और बिल्कुल अनारी आंखों का, इसका भी चेहरा वैसा ही है, बिल्कुल जैन मैन, ठीक। आप ये देख सकते हो, मतलब बताना जरूर भाई, ये बच्चा सबसे अच्छा लगता है, भगवान ने करे इनको यार कुछ नजर वजर लगे कभी, बाकी सबसे बढ़िया बच्चा लगता है मुझे। तीतरा है भाई, पूरा लाल तीतरा है, ठीक है। ये भी देख सकते हो आप लोग, ये ठीक है, दोनों साइड से आप देख लो एक बार सही से, ये देखो भाई, ठीक है। तो यही है बच्चा अपना, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का भी दिखाता हूँ। इसके भी पजेब डल्ली है और नीचे से पूरा ललपोटी टाइप में, लाल तीतरा ही एक तरीके से मान लो आप, ये देखो। बताना जरूर भाई कैसा बच्चा है, इसको सीजन में उड़ाना है, सभी को उड़ाना है, चारों को ही, ठीक। तो ये देख लो आप एक बार, बहुत बढ़िया भाई। मुझे तो यार दिखाते हुए भी थोड़ा वो हो रहा है, मैंने सोचा दिखाऊँ ना दिखाऊँ, मैंने दिल पर पत्थर रख के आप लोगों को दिखाया ये, ठीक है। सो ये देख लो, चलिए भाई चौथे बच्चे की साइड चलते हैं और उसको दिखाते हैं, चलो रे जाओ। सो गाइस, तो अपना चौथा बच्चा आ चुका है और ये है कावरे टाइप में, मतलब पिलखे टाइप में, थोड़ा पिलखा बोल लो। ये देखो भाई, एक बार मैं आपको शौक करा देता हूँ इसका भी। इधर देखो बाबू, कैमरे में आ रहे हो आप तो फेमस कर दिया मैंने आपको। देखो भाई चीज देखो, ठीक है, रंग भी देखो कितना प्यारा है, और पिलखा बोला तो है भाई, काला पिलखा यार, कावरा कब बोला, पीछे से उस्ताद जी बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है, उस्ताद जी बन रहे हैं, ये देख सकते हो। और इसकी आंखें ना भाई हल्की अनारी टाइप में, पर मकोई आंखों में ही है, ठीक है, पर आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में सही से, ठीक है। बाकी इसका चेहरा देखो, और हाइट वाइट में भाई बहुत जैन मैन है बच्चे यार, ये सारे ही जैन मैन है, क्या बताऊँ आपको इनकी खासियत। तो इसको भी छोड़ देता हूँ, जल्दी इनको बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि बाहर निकलने का समय हो चुका है। तो बाहर आ जाओ बेटा, आओ, ये देख सकते हो, तुरंत बाहर आएंगे तुरंत, क्योंकि समय ही हो चुका है बाहर आने का, ये भी आएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो ऊपर आ गए सारे कबूतर, आओ आओ आओ। कबूतर जो जिसके पर हैं वो ऊपर चले जाते, जो जो बिल्कुल गुंड हो गए ना भाई, जिनके पर मैंने सारे उखाड़ दिए हैं, वो तो बेचारे नीचे ही बैठे रह रहे हैं। तो आप दिखाते हो उनकी बैठक और खड़ान, देखो एक बार, ये हो गया अपना तीसरा बच्चा लाल वाला, ये आप देख सकते हो, ठीक है। बताना जरूर कैसी बैठक है, कैसी खड़ान है भाई। ओके, सबसे पहले ये हो गया, दूसरा कहाँ गया, दूसरा कहाँ गया, दूसरा तो मुंह मार रहा है इसमें, हाँ एक तो ये रहा बच्चा, ये देखो अभी तो बहुत छोटा यार, ये तो इतने छोटा कि क्या बताऊँ आपको, काफ़ी छोटा बच्चा, इसको कुछ समझ नहीं है अभी, इतना छोटा, अभी शरीर ही नहीं की तरह कर लेगा ये, ठीक है। और तीसरा ये रहा, ये देखो ये घूम रहा भाई, ये रहा नारी आँखों का, वो जा रहा, ये रहा भाई ये मुँह मार रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हो, ठीक है। ये तीसरा हो गया और चौथा हो गया अपना पिलखा, वो रहा ये रहा पिलखा, ठीक है भाई, ये देख सकते हो। सो बताना ज़रूर कैसे लगे आपको भाई बच्चे अपने कबूतरों के, और कबूतर सारे खोल दिए हैं मैंने, सारे मस्ती में, सारे परवर उखाड़ दिए हैं, और जल्दी भाई कबूतर उतर भी और लेकर आने हैं, सो देखते हैं, ठीक है। राजा वहाँ सही कर दे यार, कबूतर निकल जाएंगे, हाँ यहाँ पे वो रख दें, हाँ भाई राजा भाई मेहनत करते हैं हमारे बीच में, तो सारे नर निकल गए ना, नर तो सारे आ गए, मादिनी नहीं निकली शायद, अभी मादिनों को निकाल देता हूँ और बाहर चलते हैं, क्योंकि यार काफ़ी, चलो 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 चलो, आ जाओ बेटा आ जाओ, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हो सारे खुल गए कबूतर, ठीक है। सो होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, मतलब कबूतरबाजी के, ठीक है यार। कैमरे से वीडियो बनाता हूँ ना तो अलग ही आता है यार, गोपरों से इतना छोटा और दूर दिखाता है कि नहीं। और भाई भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने कैमरामैन भाई को, ठीक है, शर्मा रहे हैं भाई। अब दिखाने से वीडियो खत्म हो गई, खत्म हो गई, पूरी वीडियो देखते हैं, अच्छा खत्म हो गई वीडियो, पब्लिक पूरी वीडियो देखती है, खुद देखा है ना, चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने बोल दिया ना, स्मार्ट पिजन, स्मार्ट पिजन चैनल का सब्सक्राइब कर, तुम्हारा भी कोई चैनल है भाई बता दो, सब देख सकते हो, थोड़ा मजे भी ले लेते हैं। सो होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, और जो चैनल पे नया हो उसे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में और एक कबूतरबाजी की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।